तो हिंदू मुसलमान किया जाएगा और भाईचारे को तोड़ने का काम किया जाएगा, तो डीएसएस का लाठी भी तैयार है। धीरेन्द्र शास्त्री अनपढ़, जाहिल, गवार और ढोंगी है। जी हां, डीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष दानिश इकबाल ने धीरेन्द्र शास्त्री को चेतावनी दी है। कहा कि अगर यहां आकर हिंदू मुसलमान किया जाएगा, भाईचारे को तोड़ने का अगर काम किया जाएगा, तो लाठी डंडों से पिटने के लिए तैयार हो जाइए। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को अनपढ़, जाहिल और ढोंगी बताया है। बताया जा रहा है कि बिहार में पहली बार बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में 13 से 17 मई तक हनुमंत कथा आयोजित है और ये पटना में आयोजित की जा रही है। 5 दिवसीय आयोजन को लेकर अब राजनीति काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर कई नेता हमलावर हुए हैं। एक तरफ जहां तेज प्रताप उन्हें धमकियां दे रहे हैं और वहीं ये भी अब सामने आया है, डीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष दानिश इकबाल ने उन्हें चेतावनी दी है। कहा कि अगर यहां आकर हिंदू मुसलमान किया जाएगा और भाईचारे को तोड़ने का काम किया जाएगा, तो लाठी डंडों से पिटने के लिए तैयार हो जाइए। और धीरेन्द्र शास्त्री को उन्होंने अनपढ़, जाहिल और ढोंगी बताया है। वो पढ़े लिखे है नहीं, जाहिल आदमी है, ढोंगी बाबा है। एक शब्द याद रखिएगा कि अगर यहां पे हिंदू मुसलमान कीजिएगा और हमारे आपस के भाईचारों को तोड़ने का काम कीजिएगा, तो फिर डीएसएस का लाठी भी तैयार है, याद रखिएगा। आप, मैं एक ही यही संदेश देना चाहता हूं कि आप तक जो कर लियो भैया, उसको यहीं पे रोक दो। तुम्हारी भलाई अब इसी में।